काफी दिनों से व्यूअर्स बोल रहे थे कि सर टेक्निकल एनालिसिस कोई वीडियो बना दो जिससे तो हमें हेल्प मिल पाए ट्रेडिंग में। देखिए कोई भी इंडिकेटर को ना आइसोलेशन में देखने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हमें ना मल्टीपल कॉम्बिनेशंस में देखना पड़ता है। तो मैं आज ना कुछ कोशिश करूंगा कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस को आपके सामने प्रेजेंट करने का जिससे कि एटलीस्ट आपका डिसीजन जो है ना वो थोड़ा सा बेटर हो पाए, ठीक है। तो चलिए एक आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्शन, मोमेंटम, ट्रेंड, वॉल्यूम, वोलेटिलिटी, यही पांच चीजें होती हैं एक ट्रेड सेटअप के लिए सही अगर आपको जज करना हो तो, ठीक है। मोमेंटम क्या हो गया कि कितने तेजी से वो स्टॉक और कितना स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रेंड क्या है, बियरिश है या बुलिश है, वो देखना होता है। वॉल्यूम क्या है कि मान लीजिए बियरिश ट्रेंड तो दिखाई दे रहा है बट कोई बेच ही नहीं रहा है, बहुत छोटा सा वॉल्यूम के संग डिप आ रहा है तो उसमें भी आपका कुछ बनेगा नहीं। वॉलेटिलिटी मतलब कि अगर मान लो ITC का स्टॉक बियरिश ट्रेंड में भी है बट डेली 50-50 पैसे करके गिर रहा है तो उसमें आप क्या बना लोगे, राइट। तो वॉलेटिलिटी भी होनी चाहिए सो दैट आप उसको सही से जज कर पाओ कि ये डायरेक्शन क्या ट्रेंड लेने वाला है, ठीक है। तो ये पांच चीजें हुई। अब ये पांच चीजों को जज कैसे करना है, तो ये पांच चीजों को जज करने के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं ना उनका कॉम्बिनेशन हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं जो आपको यूजफुल रहेंगे इन सब चीजों को जज करने के लिए। तो मोमेंटम हमें किससे पता चलेगा, मोमेंटम हमें RSI या स्टॉकिस्टिक्स से पता चलेगा। मैं पर्सनली RSI प्रेफर करता हूं क्योंकि स्टॉकिस्टिक्स में और भी चीजें होती हैं तो उसको सिंप्लीफाइड रखने के लिए RSI बेटर है। फिर ट्रेंड देखने के लिए आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो, आप MACD लगा सकते हो। कुछ लोग दोनों लगा लेते हैं बट दोनों लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों इंडिकेट सेम ही चीज करता है, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है कि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आप वो 5 मिनट के कैंडल के हिसाब से डेटा बनाएगा, अगर आप 1 डे का कैंडल देखते हो तो 1 डे के हिसाब से डेटा बनाएगा। एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि आपका कितना लोग खरीदते जा रहे हैं कितने लोग बेचते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि भले प्राइस अप ट्रेंड में है बट कोई बेच नहीं रहा है, सब लोग खरीद ही रहे हैं। जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक क्या स्टॉक गिरेगा, नहीं गिरेगा। जब तक लोग बेचेंगे नहीं तब तक स्टॉक प्राइसेस नहीं गिरेंगे, तो वो हो गया एक्युमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और बोलिंगर बैंड, वॉलिटिलिटी इंडिकेटर सबसे बढ़िया होता है बोलिंगर बैंड, मतलब एक मीडियम प्राइस से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है स्टॉक ये बताने के लिए बोलिंगर बैंड का यूज किया जाता है। तो ये चार चीजें तो क्लियर हो गई, ये हमें इंडिकेटर से पता चल जाएगा, ठीक है। 20% वाली एक जो चीज रह गई डायरेक्शन, वही हमें जज करना होता है। डायरेक्शन अगर आपने सही जज किया तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, अगर आपने डायरेक्शन गलत जज किया तो आपका ट्रेड थोड़ा लॉस में भी आ जा सकता है। लेकिन जब ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेके आप ट्रेड लोगे तो ये जो जजमेंट हमें लेना है ना ये भी जजमेंट थोड़ा सा बेटर हो पाएगा। अब ये सारी चीजों को यूज कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, बट लेकिन ना वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्यों, क्योंकि स्किप कर करके देखने से ना क्या होता है सही क्या ना आप लोग ले नहीं पाते हो और फिर बोलते हो यार हमारा लॉस हो गया। दूसरी चीज ये है कि ये जो भी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, ये कोई भी प्रॉफिट एश्योरिटी नहीं देते हैं बट एटलीस्ट ये आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपका डिसीजन जो होगा ना वो सही होगा। मार्केट सिनारियो ऊपर नीचे हो सकता है बट आपने डिसीजन सही लिया रहेगा और एडवर्स सिनारियो के लिए नहीं प्ले करेंगे, बट 10 में अगर 8 टाइम आप डिसीजन सही लेते हो तो आपको रिटर्न भी अच्छा बन के आएगा। तो चलिए आप एक स्टॉक चार्ट पे चलते हैं। सबसे अच्छा स्टॉक चार्ट इसको दिखाने के लिए रहेगा मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइजेस का, ठीक है। अब अदानी एंटरप्राइजेस मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको बताता हूँ। देखिए ये मैंने लिया है मे के एंड के आसपास का, ये से चार्ट लिया है मैंने, ठीक है। मे के एंड के आसपास आप देखो तो ये ना 1300 के आसपास चल रहा था प्राइस, अगर आप देखोगे तो 1300 के आसपास चल रहा था, 1300 के आसपास, ठीक है। आपको RSI में देखो यहाँ पे अराउंड 1 जून ये 80 का दिखा रहा है। जनरली RSI अगर 80 क्रॉस करता है तो लोग क्या बोलते हैं कि आप बेच दो, राइट। बट आप अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो आप देखो कि उसके संग क्या हाल हुआ है, ऊपर जाते ही गया है स्टॉक, राइट, एंड 2-3 दिन के अंदर ही गया है। तो 70-80 रुपए करके एक ही दिन में बढ़ा है। यहाँ पे कोई शॉर्ट करता RSI 80 पे तो वो उसको सोचो आपके क्या क्या आता, कुछ नहीं आता। लेकिन उसको जज कैसे करना था कि यहाँ पे कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, ये देखो आप एक्युमुलेशन का चार्ट, 100 के आसपास इसकी कोई वैल्यू चल रही है, वो एक्युमुलेशन चार्ट इसी पॉइंट ऑफ टाइम से बढ़ना चालू हुआ है। मतलब यहाँ पे लोग सिर्फ बाय ही कर रहे हैं, बेच कोई रहा ही नहीं है। आप नोटिस करो इसको ठीक से तो आप देखो यहाँ पे 100 से बढ़ते 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 बढ़ते, ये नंबर्स आप मत जाओ, ये वॉल्यूम नहीं है स्पेसिफिक बट एक्युमुलेशन का ट्रेंड है ये। तो इस स्टॉक में इतने एक्युमुलेशन होते जा रहे हैं, मतलब सिर्फ खरीदे जा रहे हैं लोग। जब कोई भी स्टॉक को बहुत खरीदा जाएगा तो क्या होगा, वो अपने आप बढ़ते जाएगा क्योंकि बेच तो कोई रहा नहीं है। अब आप MACD इंडिकेटर देखोगे अगर, तो MACD इंडिकेटर में देखो ये ब्लैक लाइन ऊपर चल रही है, राइट। ब्लैक लाइन ऊपर चलने का मतलब क्या है कि ऊपर चल रहा है, मतलब इन द सेंस कि वो बुलिश क्रॉसओवर पे चल रहा है एंड बुलिश ट्रेंड वहां से बनते जा रहा है।
अब यहाँ पे नीचे भी क्रॉसओवर इसने दिया है, मतलब कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं, तो मान लो यहाँ पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया, बट आप देखो कंटिन्यूअसली ये अपर बैंड ऑफ बॉलिंगर बैंड में चल रहा है, मतलब बॉलिंगर बैंड के अपर बैंड में चलना मतलब वो पॉजिटिव मोमेंटम में है, काफी ज्यादा एक्युमुलेशन हो रहा है, एंड जैसे ही वो मीडियम लेवल पे आ रहा है लोग उसमें वापस से बाइंग करनी चालू कर दे रहे हैं, तो इससे आपको क्लियर ट्रेंड दिख गया कि ऊपर की तरफ ही चलते रहेगा, तो वहां पे शॉर्ट करने की गलती किसी को नहीं करनी चाहिए। अब यहां पे अगर आप आओगे तो आप देखोगे अचानक से एक छोटा सा स्क्वीज्ड पैटर्न बन रहा है एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा डिप आया है। बॉलिंगर बैंड्स में जब भी स्क्वीज्ड पैटर्न बनता है अगर आप देखो तो यहाँ पे स्क्वीज पैटर्न है, यहाँ एक स्क्वीज पैटर्न है, यहाँ एक स्क्वीज पैटर्न है, ये जो छोटे से एकदम जो स्क्वीज हो जाता है ना कोई भी स्टॉक, उसमें क्या होता है कि अगर मार्केट मान लीजिए नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो वहां अगर स्क्वीज बनता है ना तो काफी लोग जो लॉन्ग है ना उनको ऊपर की तरफ का लेवल नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऊपर का लेवल वो किस लिए खरीद के बैठे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, बट वो तो उन्हें आ नहीं रहा है, राइट, तो वहां पे वो प्रॉफिट बुक करना चल रहे हैं। तो देखो आप यहां से तो ठीक अप ट्रेंड था, बट जैसे ही यहाँ स्क्वीज पैटर्न बना, एक दिन का स्क्वीज पैटर्न बनने में वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया, एंड वहां पे देखो आप बैंड नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया एंड काफी ज्यादा वहां पे सेलिंग प्रेशर भी बना, वहां पे देखो आप बियरिश क्रॉसओवर भी हुआ एंड आपका RSI भी डिप हुआ, RSI 20 तक भी आ गया एक्युमुलेशन में भी, लेकिन आप देखो 472-473 चल रहा था, उससे डिप होके बस 390 के आसपास ही आया, मतलब अभी भी बहुत लोगों ने नहीं बेचा है, क्यों, क्योंकि एक्युमुलेशन तो 100 के लेवल से ऊपर चले जा रहा था, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप देखो एक लेवल पे स्टेबल था, राइट, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने लॉन्ग भी किया होगा, शॉर्ट भी किया होगा, सबसे ज्यादा पैनिक शॉर्ट करने वाले करते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोगों को नीचे का लेवल नहीं दिख रहा था तो वो शॉर्ट वाले अपना अप ट्रेंड लेना चालू किया, प्लस एक्युमुलेशन होना चालू हुआ, बुलिश क्रॉसओवर चालू हुआ, प्लस RSI में अपवर्ड मोमेंटम मिला, ये सबके सब कॉम्बिनेशन से ये अपवर्ड भागना चालू हो गया। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आप देखो फिर वापस 80 के आसपास गया आपका RSI, अकुमुलेशन लेवल भी आपके 500 समथिंग के आसपास गए, 1700 के पास पहुंचा स्टॉक, ठीक है। अब वहां पे देखो आप कि कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू किया, ठीक है। ये प्रॉफिट बुक करना आपको कैसे समझ में आएगा, आप देखो एक्युमुलेशन ने अपना टॉप बनाया है, 560 के आसपास टॉप बनाया, वहां से थोड़ा सा डिप आना चालू हुआ, RSI में भी डिप आना चालू हुआ, MACD में भी बेरिश क्रॉसओवर हुआ, तो इसका मतलब क्या है, लोग कुछ हल्का हो रहे हैं। अब आप देखो ऊपर के लेवल पे लोगों ने चिपकाए हैं शेयर्स, किस तरह से समझ में आते हैं, धीरे 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 आप देखो एक्युमुलेशन कम होते जा रहा है, ठीक है। अभी ये नॉर्मल पैटर्न में ही चल रहा है, रियल कहानी जब आएगी जब सुजीता दलाल का ट्वीट आया। अब देखो 1600 के आसपास चल रहा था ये स्टॉक, सुजीता दलाल का एक ट्वीट आया, ये स्टॉक आप देखो जो एक्युमुलेशन लेवल आपके 450 के आसपास चल रहा था वो एक्युमुलेशन लेवल सीधा 100 पे आ चुका है, 45 तक का लो बन गया, ठीक है। RSI आप देखो 451 तक गया है, 2 भी गया है, बॉलिंगर बैंड्स का जितना लोअर बिट हो सकता है वहां तक टच किया गया है, लेकिन अब आप देखोगे जब RSI एकदम लोएस्ट लेवल पे आ गया, आपका बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड अब टच होना बंद हो गया, तो वहां से क्या होता है कि अब यहाँ पे शॉर्ट करके किसी को कुछ बनना नहीं है, तो वहां से अब लॉन्ग ट्रेड्स बन सकते हैं, क्योंकि आप एक्युमुलेशन का भी लेवल देखो तो ये 2-3 महीने के पुराने लेवल से ऊपर आप उठ चुके हो, राइट, तो यहां से वापस से राइज होना चालू हुआ, यहां भी एक राइज होना चालू हुआ, ये रिवर्सल साइंस है, ठीक है। काफी लोगों ने उस दिन 1200 रुपए पे खरीद के 1400 रुपए बेचा भी है, ये एक्युमुलेशन साइंस है, क्लियर साइंस कब दिखे, जब बॉलिंगर बैंड का लोअर बैंड जो टच कर रहा था वो टच करना उसने बंद कर दिया, अब वहां से रिवर्सल साइंस बन गए, ठीक है, ये हो गया। अब इस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है। अब वहां पे वापस देखो एक्युमुलेशन बढ़ते 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 वापस से एक्युमुलेशन अच्छे खासे लेवल पे आ गया, जैसे ही 1500 पे आया ना लोगों ने फिर प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया, ये आपको क्लियर समझ में आया। यहाँ पे कुछ डाउट रहेगा ना कमेंट करके पूछ लीजिएगा ताकि मैं थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर पाऊं। अब आप देखो तो इसमें ना वापस से एक्युमुलेशन चालू है, वापस से एक्युमुलेशन इसी लेवल पे आ चुका है, 550-560 के लेवल पे आ चुका है। अब ये स्टॉक क्या है ना एक इसी रेंज में घूम रहा है काफी दिनों से, ठीक है। अब एक्युमुलेशन एक ही रेंज में आ गया है, 550-500 के रेंज में घूम रहा है एक्युमुलेशन भी, जो कि नीचे से इतना बड़ा स्विंग था। अब एक्युमुलेशन मतलब क्या है, सबके पास लॉन्ग लेके लोग बैठे हुए हैं एंड लोग होल्ड कर रहे हैं, किसी को बेचने की कोई जल्दी है नहीं, तो ये ध्यान आपको रखना है। और इसीलिए ये स्टॉक में कोई भी कुछ पूछता है ना तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो जुलाई में क्या पैटर्न बन रहा है, जुलाई में देखो
लोगों को जब ऊपर के लेवल्स जैसे ही दिखे 1550 1560 तो लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू किया, फिर ये 1350 तक आया। अब देखो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन कितना बढ़ गया, इसको बोलते हैं नीचे जब हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्युमुलेशन मतलब ऊपर का फेज है। तो इस तरीके से हमें इस इन चीज़ों को यूज़ करना है। अब मैं इस सेम चीज़ पे अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे लगाऊं, ठीक है, तो बैंक निफ्टी पे अगर मान लीजिए लगा देता हूँ, अब बैंक निफ्टी में देखो एक यहाँ स्क्वीज पैटर्न बन रहा है, नीचे से ट्रेड ऊपर की तरफ आया था, स्क्वीज पैटर्न बन रहा है। आप देखो यहाँ एक्युमुलेशन जोन चालू हुआ है, एक्युमुलेशन यहाँ पे पहले 1100 समथिंग लेवल्स का था, वो बढ़ते 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 2500 लेवल्स तक गया, ठीक है। अब एक्युमुलेशन जब RSI भी पीक आउट कर रहा है, एक्युमुलेशन भी पीक आउट कर रहा है, तो वहां से थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है। वही चीज आप देखो RSI में थोड़ा सा डिप आना चालू हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन में भी थोड़ा सा डिप आना चालू हुआ, क्यों? क्योंकि लोग धीरे धीरे अपना सेलिंग करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जजमेंट ले सकते हो कि अब यहाँ से क्या ट्रेंड बन सकता है। अब आप देखो आप बहुत स्टेबल लेवल पे बैंक निफ्टी कुछ दिन से खड़ा है, RSI पे भी, MACD पे भी, एंड एक्युमुलेशन लेवल पे भी, एंड बॉलिंगर बैंड्स में भी एक स्क्वीज पैटर्न टाइप का ही बन रहा है, राइट। नीचे से आया है तो ऊपर जाता, ऊपर जाके वहां से डिप मिलता, लेकिन ऊपर तो जा नहीं रहा है ये, अभी ये एक स्टेबल रेंज में खड़ा है। जब तक ये रेंज को ये तोड़ता नहीं है नीचे या ऊपर की तरफ, तब तक इसमें कोई बड़ा ट्रेड नहीं बनेगा। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, एंड ये टेक्निकल इंडिकेटर्स को आप यूज करके जजमेंट लोगे ना तो आपका जजमेंट थोड़ा सा बेटर होगा कंपैरेटिवली। एंड हमेशा इन चीजों की अपर बैंड पे बेच के चल सकते हैं, सबका कॉम्बिनेशन आपको एक संग देखना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है।